मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला व विशाल पटेल इंदौर जिले के ग्राम ढाबली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश और देश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ लोगों की जान से खिलवाड़ करने में जुटे हैं। दरअसल सांवेर तहसील के ग्राम ढाबली में कोरोना महामारी से अब तक करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अभी भी करीब 100 लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। हालांकि ये गांव इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की विधानसभा क्षेत्र का है, जहां मंत्री जी दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये ग्रामीणों में कांग्रेस नेताओं के सामने खोली। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार और मंत्री तुलसी सिलावट को जमकर आड़े हाथ लिए। कोरोना हर इंसान को हो रहा है, ये सब गलत बात है कि नहीं हो रही। इधर भी मतलब आप टेस्ट करावा 40% मेरे घर के आसपास 10 लोग कोरोना पॉजिटिव अभी की डेट में। कैसे ठीक हुए हम जानते हैं, कोई प्रशासन नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई नहीं आ रहा यहाँ देखने भी। कत्ते ही हम मेरे घर के पड़ोस में कल माता जी खत्म हो गए, हर दो घर छोड़ के कोरोना पॉजिटिव मिले गए। पूरे गाँव में पूरी अरे अभी तक 25-30 लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश में दिया जा रहा है। अरे 30 लोग मर गए कम से कम भैया, जवान मौत चली गई, जवान मौत चली गई। चलो ठीक है, पूछो क्या जवान। देखो अपन क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हो, शिवराज चौहान हो, तुलसी सिलावट हो, झूठ बोल के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे झूठा आश्वासन लोगों को दे रहे हैं कि हमने कोविड सेंटर बना दिया, कोई इंजेक्शन की कमी नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। परसों घर के सामने एक की तबीयत ज्यादा खराब हुई, 108 को फोन लगाया, उनका जवाब यह था पहले आप एम्बुल में बेड की व्यवस्था कर लो, तो बोले हम लेके जाएंगे, बोले हमारे हम कहाँ एडमिट कहाँ करेंगे, बोले पहले हॉस्पिटल डिसाइड कर लो आप लोग, बोले एम्बुल बोले तो लेते ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, बोले आप लेके मत आना हमारे जगह। अरे मेरे दोस्त के पापा है, एडमिट करवा दोस्त के पापा है, उनको अरविंदो ले गए, सब दूल्हे कहीं एडमिट ही नहीं कर रहे, उनको एडमिट ही नहीं करा बेचारा, बोलो ऑक्सीजन लेके मालूम है गाँव से चला जाता है, 8 घंटे इंदौर शहर की सड़कों पर भटकता, जो थोड़ी सांसें बची रहती है वो भी सड़क पे निकल जाती है। इतना झूठ का प्रचार और प्रसार है। अब ब्लैक फंगस, एक भी इंजेक्शन है नहीं चोरों के पास, अगर कोई कमी नहीं इंजेक्शन की, कहीं ये नहीं हमारे आईसीयू बेड इतने हैं, तो ये देखो बात ये है, नरेंद्र मोदी से झूठ का सिलसिला, शिवराज शिवराज से तुलसी सिलावट तक, ये झूठ की दुकान चलाने वाले लोग अब झूठ का बड़ा स्टोर खोल लिया, जनरल स्टोर, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही अपना गांव में ढाबली, यही गांव में भैया, मैं अपने गांव में ढाबली में ना ये देख लेना कि भाई लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ दृश्य कुछ और है।